किस तरीके से मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अयोध्या गैंगरेप मामले में यूपी की योगी सरकार फुल एक्शन में आ गई है। इस गैंगरेप केस में आरोपी सपा नेता मोहित खान के बेकरी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मोहित खान की बेकरी तालाब की जमीन पर बनी हुई थी। वहीं आरोपी की एक दूसरी बिल्डिंग को भी जमींदोज करने बुलडोजर पहुंचा था। हालांकि उसमें एक बैंक की शाखा है, इसी वजह से बैंक को एक हफ्ते के अंदर आरोपी मोहित खान की बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस दिया गया है। वहीं इस बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने रेप पीड़िता से मुलाकात की है। रेप पीड़िता से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संजय निषाद रो पड़े। किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज का नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया कई दिन तक। वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा, अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे हो जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। बता दें कि अयोध्या गैंगरेप केस के आरोपी मोहित खान की कई तस्वीरें अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ वायरल हो रही हैं। इसके बाद संजय निषाद ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें समाजवादी पार्टी से निकालने की मांग की है। संजय निषाद के इस मांग के बाद अवधेश प्रसाद ने भी उन पर तगड़ा पलटवार किया है। आज संजय निषाद वहाँ हॉस्पिटल में गए, संजय निषाद ने आपके ऊपर आरोप लगाए। संजय निषाद कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके करीबी किसने इस तरह की घटना करी है। यार ये संजय निषाद की क्या हैसियत है, सूप बोले सूप बोले चले नहीं बोले, जिसमें बहत्तर छेद। संजय निषाद की क्या हाल है, सारे निषादों ने उनका तो साथ छोड़ दिया, हमारी पार्टी के साथ हो गए, उनकी कोई अहमियत नहीं है ना पार्टी में अहमियत। लेकिन वो कह रहे हैं कि निषाद समाज के साथ वो खड़े हैं, निषाद समाज की बच्ची के साथ घटना हुई है और वो इस्तीफा मांग कर रहे हैं आपके। अरे छोड़िए उनकी क्या विसात है यार, उनकी क्या विसात है, उनकी क्या विसात है, वो अपने पार्टी के लोगों का इस्तीफा मांगे, जिनके तमाम ऐसे ऐसे फोटो हैं दिखा दिया जाए तो कुछ उनकी भी हैसियत नहीं। बता दें कि जघन्य गैंगरेप केस में चाहे जितनी भी बयानबाजी हो रही हो, लेकिन योगी सरकार ने आरोपी मोहित खान के खिलाफ कड़े एक्शन का मन बना लिया है। मोहित की 4 और प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चलाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं।